गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज के इस वीडियो में बात करते हैं आर्सेनिक आयोडेटम की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, नाम में लिखा है इसका आर्सेनिक और आयोडेटम। तो देखिए, बेसिकली दो मेडिसिन है होम्योपैथी में, एक आयोडम और दूसरी है आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम। इन्हीं दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो आर्सेनिक और आयोडेटम के होते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि हाइब्रिड है आर्सेनिक एल्बम का फिर और आयोडेटम का। तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स मैच करेंगे, कुछ आर्सेनिक के और कुछ आयोडम के। इस बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन में सिम्टम्स अगर देखा जाए तो आर्सेनिक का अगर आप समझ लेते हैं, जैसे आर्सेनिक स्किन की बेहतरीन मेडिसिन है, लंग की बेहतरीन मेडिसिन है, फीवर की भी यूं समझ लीजिए कि पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। तो इसमें से कुछ सिम्टम्स जो आयोडम से मैच करते हैं कुछ इस तरह से है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, यानी जो लंग है उसमें इन्फ्लेमेशन है, या फिर ऐसे लोग जिनका निमोनिया ठीक नहीं हो रहा हो, तो इस तरह का सिम्टम्स लंग का यानी स्वास्थ्य सिस्टम का है। जैसे पेशेंट जब लेटा रहता है तब उसको दिक्कत होती है, उठ के बैठ जाता है, खांसी में भी ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुर्सी पर सोते हैं अगर लेट जाते हैं रात को तो खांसी बढ़ जाती है, तो लेटने से खांसी बढ़ जाती है। तो ये अस्थमा का करेक्टरिस्टिक्स है, अस्थमा का प्राइमरी सिम्टम्स है यूं समझ लीजिए। तो यहाँ पे भी इस तरह से है कि पेशेंट के अस्थमेटिक कंडीशन बैठने से थोड़ी सी आराम मिल जाती है और लेटने से थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आयोडम इकलौता ऐसा मेटल है, ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो जो सॉलिड टिश्यू है यानी जो ट्यूमर है उनको रिजॉल्व करता है, डिजॉल्व करता है ट्यूमर को। तो ट्यूमर चाहे ब्रेस्ट का हो या फिर किसी और पार्ट का, ट्यूमर की शर्त है कि इपिथेलियल ट्यूमर होना चाहिए। इपिथेलियम ऊपर के टिश्यू होते हैं, बॉडी की कवरिंग होते हैं या फिर इंटरनल कवरिंग होते हैं। तो इपिथेलियम का ट्यूमर है तब भी इससे ठीक होगा। तो यूं समझिए कि कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है आर्सेनिक का भी और आयोडियम का भी। तो पहला करेक्टरिस्टिक इस तरह से है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट ऑफ लंग्स एंड ब्रांकियल ट्यूब। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ट्रेकिया है, फिर इस तरह से ऐसे आती है यहाँ पे, और ये लंग है इस तरह से। तो ये जो ट्रेकिया है और ये ब्रांकस है, ये ब्रांकस है, इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस तरह से, ये इस वाल का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांकाइटिस। और लंग के टिश्यू इधर ढेर सारे टिश्यू हैं तो इनका भी हो सकता है। तो ट्रेकिया में तो ठीक है, ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन नहीं पहुंचा है। तो जो ब्रांकस है, लेफ्ट ब्रांकस और राइट ब्रांकस, उसके इन्फ्लेमेशन को ब्रांकाइटिस बोलते हैं। और जो लंग है वहां पे भी है, बोलते हैं ना कि लंग की फाइब्रोसिस हो रही है, यानी लंग के टिश्यू फाइबर में बन रहे हैं, फाइबर हो जा रहा है तो हार्डनेस आ जाएगी। तो हार्डनेस की वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो हो रहा है, सांस लेते समय फैल और सिकुड़ जो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो क्रॉनिक स्टेज हो चाहे न्यू स्टेज हो, दोनों में भी यूज कर सकते हैं। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और ग्रीनिश येलो पस लाइक एक्सपेक्टोरेशन जो निकलता है, बलगम से निकलता है थोड़ा, और जो बलगम है ग्रीनिश कलर का हो सकता है या फिर येलो कलर का या फिर मिक्स्ड कलर का हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है या फिर ग्रीनिश येलो भी हो सकता है, जो बलगम जैसा निकल रहा है। और खास बात, जो एक्सपेक्टोरेशन है या फिर जितने भी डिस्चार्ज है सब एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज है, यानी जहां से निकलते हैं वहां पर लगता है, चुभता है, दर्द करता है। तो ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज, और जो डिस्चार्ज है वो काफी गाढ़ा होगा, थिक होगा, पतला नहीं होगा। डिस्चार्जेस एक्सकोरिएटिंग एंड थिक,
जहां से निकलेगा वहां पर चूहे दर्द करेगा, जलन करेगा और मोटा डिस्चार्ज निकल रहा है। और क्रॉनिक ब्रांकाइटिस विथ डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, ब्रांकाइटिस है, क्रॉनिक है और निकलता नहीं पहले, अगर निकलता है तो ग्रीन येलो कलर का होगा। और अस्थमेटिक कंडीशन मस्ट सिट अप टू ब्रेथ, अस्थमा की कंडीशन है, सांस लेने के लिए बैठना पड़ता है। ये दोनों जो सिम्टम्स है आर्सेनिक के सिम्टम्स हैं, यानी आर्सेनिक से सिमिलरिटी है। और लेफ्ट ब्रेस्ट ट्यूमर एनलार्ज एंड सोर, जो लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट है वो बड़ा हो गया है, जरा सा टच करने से, किसी इवन कपड़े से टच करने से भी दर्द करने लगता है। और ट्यूमर है, एपिथेलियोमा है, कैंसर की प्राइमरी स्टेज यूं समझ लीजिए। तो लेफ्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर है, एनलार्ज सोर और मायोकार्डाइटिस एंड पल्पिटेशन, जो हर्ट है, ये दोनों सिम्टम्स किसके हैं, आयोडम के हैं। तो जो हर्ट की वाल्व है उसमें इन्फ्लेमेशन है, मायोकार्डियम बोलते हैं उसको, तो मायोकार्डाइटिस है। तो हर्ट की जो दीवाल है उसके भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो मायोकार्डाइटिस। और मायोकार्डाइटिस अगर हो गया है तो पल्पिटेशन भी होगा, धड़कन बढ़ जाती है थोड़ा सा दूर चलने पर, मेहनत करने पर, या यूं समझ लीजिए कि इंटेंसिटी डिजीज की बढ़ जाने पर, बैठे बैठे भी। तो कुछ इस तरह के क्लियर कट सिम्टम्स हैं आर्सेनिक आयोड के, इनके बेसिस पर इस मेडिसिन का बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। लेने का तरीका बस यूं है कि ध्यान रखना है कि होम्योपैथी में इकलौती एक मेडिसिन है जो कि भोजन के बाद ली जाती है, तो आर्सेनिक आयोड की लोअर पोटेंसी आप यूज करें और ध्यान रखें कि भोजन के बाद लेना है। तो आर्सेनिक आयोड 3x पावर का लें, 4 टैबलेट्स आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, और भोजन के बाद लेना है, इकलौती मेडिसिन जो भोजन के बाद लेना है, और सभी मेडिसिन भोजन के पहले खाली पेट ली जाती हैं। तो इस तरह से आर्सेनिक आयोड का आप बेहतर यूज करके जो क्रॉनिक ब्रांकाइटिस है, जो फाइब्रोसिस है, अस्थमेटिक कंडीशन है, या फिर एपिथेलियोमा है ब्रेस्ट का, और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।